धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने एक मासूम नाबालिग को हवस का शिकार बनने के मामले में एक मुलजिम को दोषी करार देते हुए उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 50,000 रुपए के जुर्माना से दंडित किया। विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि मामला धौलपुर जिले के महिला थाना इलाके का है। महिला पुलिस थाना पर एक परिवादी ने 17 मई 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया कि 16 मई 2019 की रात वह अपने घर पास बने चबूतरे पर सो रहा था। तभी बेटी के रोने और चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वह जागा तो देखा कि उसकी 9 वर्षीय मासूम बेटी खून से लथपथ अवस्था में मिली। खून से लथपथ अवस्था में बेटी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बेटी ने अस्पताल में उपचार के दौरान परिजनों ने बताया कि प्रवेश उर्फ पिर्रे ने उसकी टॉफी देने के बहाने ये सब कुछ किया है। मासूम के परिजनों ने महिला पुलिस थाना पर नामजद आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मासूम का रैप संबंधी मेडिकल कराया और बयान दर्ज कर अनुसंधान शुरू की। थाना धौलपुर पर वर्ष माह मई 2019 को दर्ज हुए 9 वर्षीय नाबालिग के साथ हुए बलात्कार के मामले में आज दिनांक 6/7/2023 को पॉक्सो न्यायाधीश श्री जमीर हुसैन जी ने आरोपी प्रवेश ओपरे को सुनाई 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 50,000 रुपए के जुर्माने से किया दंडित।